कि आप लोग एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और कंडक्शन और डिलीवरी ऑफ रिजल्ट, इस पूरी चेन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को किस तरह मेंटेन करते हैं हॉक के लिए फॉर बोथ प्रोग्राम इंटरनेशनल एंड नेशनल? अच्छा, इसमें एक तो चीज़ है डिलीवरी ऑफ एग्जामिनेशन और उसकी प्रिपरेशन, ये सारा तो काम तो नहीं, एग्जामिनेशन हमारा जिशान साहब आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। बीइंग इन क्वालिटी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंश्योरिंग कंप्लाइंस विद द रेगुलेशंस, और जो जिस ऑर्गेनाइजेशन से हमारी कलेबरेशन है उनके उनके प्रोसीजर्स, हमारे अपने ट्रेनिंग प्रोसीजर्स जो हमने अपने सेट किए हुए हैं इन द ट्रेनिंग प्रोसीजर मैनुअल, हमारी पूरी कोशिश हमने ये करनी होती है कि हमारी कंप्लाइंस रहे, जो एआसा की स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे कंप्लाइंस रहे, और जो हमने सेट प्रोसीजर्स रखे हुए हैं उनसे कंप्लाइंस रहे। एग्जामिनेशन में खासकर हम ये देखते हैं कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस अप टू द मार्क हों, और हम सैम्पल बेसिस पे भी करते हैं, एनुअल ऑडिट भी अपने करते हैं, सर्वेलेंस ऑडिट भी करते हैं, और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन भी हम अपने कहीं ना कहीं स्पॉट चेक्स और ऑडिट्स करते रहते हैं, तो वी इंश्योर कि हमारी अप्रूवल्स वैलिड रहें और कंप्लाइंस 100% रहे। बाकी दिशान आपको एक्सप्लेन करते हैं। जी, जैसा कि रिजवान साहब ने बोला कि वो अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखते हैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लिए और अपनी क्वालिटी डिपार्टमेंट में भी, तो मैं उनकी इस बात के तवज्जो से आगे ये बात करना चाहता हूँ कि जिस जिस तरह हमने अपने एग्जामिनेशन को लेके, अपने एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड्स को लेके जो हमने अपनी पूरी पॉलिसीज बनाई हुई हैं STTSOA में, वो हमारी जो स्ट्रिक्टली जो हमारी क्वालिटी कंप्लाइंस होती है वो उसके अंडर प्रोसीजरल एक्ट्स के थ्रू और हमारी जो एग्जामिनेशन पॉलिसीज हैं उसके थ्रू तमाम एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं और बहुत स्मूथली कंडक्ट होते हैं। और यही दोनों प्रोसीजर जो हैं हम अपने अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, हॉक ट्रेनीज के लिए भी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी हम ये सेम प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, ताकि किसी भी किस्म के कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेके, एआसा स्टैंडर्ड्स को लेके, या जो भी एग्जामिनेशन पॉलिसी जो अपना जो एस पर एआसा स्टैंडर्ड्स हैं उसको लेके किसी भी किस्म की कोई लैकनेस ना आए, और हम अपने इस डिपार्टमेंट को और अपने इस प्रोजेक्ट को बहुत बखूबी अंजाम से लेके हम इसको अख्ताम तक लेके चलते हैं।